नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर गाजीपुर जनपद से, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र के एक सिहोरी गांव निवासी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आप स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, जो व्यक्ति धोती कुर्ता पहने टहल रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि सिहोरी गांव के केदार राय हैं, जो अपने घर से करीब 9:30 बजे सुबह खाद और दवा लेने के लिए बाजार आए हुए थे। मगर कौन जानता था कि मौत उनके सिर पर खड़ी है और यह शख्स कुछ क्षणों में मौत के मुंह में चला जाएगा। ध्यान से सीसी फुटेज में देखें कि एक स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति की कैसे मौत हो रही है। इसको लापरवाही कहें या जानबूझकर हत्या, किस प्रकार सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टेम्पू टक्कर मारकर निकल जाता है और व्यक्ति ट्रैक्टर से कुचलकर बीच बाजार में, जहां भीड़ भाड़ चहल पहल बनी रहती है, उस बीच में तीव्र गति से टेम्पू का चलना शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ध्यान से देखें कि कैसे एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है, डग्गा मार वाहन के कारण दुनिया से चला गया। अब सवाल यह कि टेम्पू या ट्रैक्टर चालक के पास वैध लाइसेंस प्राप्त था? यदि था तो गाड़ी का फिटनेस पेपर या अन्य दस्तावेज वैध थे? फुटेज को ध्यान से देखें। कैसे होती है दुर्घटना? दोषी कौन, टेम्पू या ट्रैक्टर चालक? आप फुटेज को ध्यान से देखिए। जिस टेम्पू ने टक्कर मारी, वह घटना के बाद भी घटना स्थल पर कुछ देर रुकने के बाद सवारी उतार कर फरार हो गया और प्रशासन के हाथ अब तक खाली। प्रशासन के लिए ऐसी घटनाएं अक्सर चुनौती देती रहती हैं और मूक दर्शक बना रहता है प्रशासन। कहीं दुर्घटना का कारण दुकानदार तो नहीं, जो पटरियों को भी अपनी दुकान बनाए रहते हैं और जाम के झाम में फंस जाते हैं वाहन। आखिर इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन?